A solid cylinder of mass m and radius r rolls down inclined plane. सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया क्या लेते हैं? हाफ एम आर स्क्वायर. तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होगा? 1/2. तो रोल करते हुए नीचे आ रही है विदाउट स्लिपिंग. विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग. तो क्या करना है? स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जब वो नीचे पहुंचेगी तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास मान लो ये बॉडी है कि रोल करते हुए सिलेंडर नीचे आ रही है. आपको बताना है कि इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी. इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. तो क्या सिखाया था? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. और यहाँ पर भी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम है. तो मान लो ये हाइट एच है, पोटेंशियल बोलो क्या होगी यहाँ पर? एम जी एच. काइनेटिक क्या होगी? जीरो. पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगी? जीरो. काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम बी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो इक्वेट करते हैं, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. क्योंकि एक सॉलिड सिलेंडर है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ. निकाल लेना वी सेंटर ऑफ मास. आंसर निकालो क्या आ रहा है, चेक करो अंडर रूट. हाँ, तो कौन सा ऑप्शन है? बी. तो जब भी कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा. तो लास्ट टाइम किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है वो मार्क कर लेना, इसका आंसर बी है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता करते हैं. क्वेश्चन नंबर ये रहा सिक्स करते हैं. चलो इसका आंसर क्या होगा? एक बॉडी क्या कर रही है? स्लाइड. इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मोशन. स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन नहीं है, और नीचे उतरती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी. अब अगर वही बॉडी रिंग की फॉर्म में रोल करती हुई नीचे आए, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन है. तो आप एक काम करो, सबसे पहले दो केस बनाते हैं. पहला केस बनाते हैं स्लाइडिंग का. स्लाइड कर रही है कोई बॉडी, ये लो यू इज इक्वल टू जीरो से. और दूसरा केस बनाते हैं किसका? रोलिंग का. तो अगर बॉडी रोल करती हुई नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको निकालनी है. हाँ, ये गिवन है, नीचे आने में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी, हाइट वही है. तो सेम कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, और सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम. यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? एम जी एच. और काइनेटिक क्या होगा? जीरो. यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी? जीरो. और काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या बनेगी? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. ये इक्वेशन नंबर वन बना लो. ठीक, ऐसे क्वेश्चन किए हमने. अब इस केस में अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहाँ पर भी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम है. तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? एम जी एच. काइनेटिक ये क्या है? जीरो. यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? जीरो. और काइनेटिक क्या है? हाफ एम वी डैश स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो इक्वेट कर देते हैं, हाफ एम वी डैश स्क्वायर वन प्लस रिंग है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वन. इक्वेशन नंबर टू. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें, एम जी एच से एम जी डिवाइड करेंगे, वन आएगा. यहाँ की वेलोसिटी वी है और वहाँ की निकालनी है वी डैश, तो वी डैश इन टर्म्स ऑफ वी निकाल लें, आंसर क्या आएगा चेक करें.
डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, सी आ रहा है, वी बाई रूट टू आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ। थिन यूनिफॉर्म रिंग रोल कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पे, एंगल 30 डिग्री है, विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग। लीनियर एक्सलेशन क्या है, लीनियर एक्सलेशन किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन पूछ रहे हैं। हमने फॉर्मूला किया था जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r² और रिंग का k² / r² क्या होता है 1। लास्ट लेक्चर में किया था एक्सलेशन की वैल्यू वाली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 मिलता जुलता किया था जब एक लास्ट लेक्चर में किया था। डिस्क है, मास नीचे गिर रहा है, तो बताया था एनर्जी कंजर्वेशन लगानी होती है, एक ब्लॉक नीचे गिर रहा है, तो चेक करो क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर एक पुली है, वेट इसका W है, इज अटैच टू अ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m। तो एक सिलेंडर है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर डिस्क होती तो भी हाफ एम आर स्क्वायर, सिलेंडर है तो भी हाफ एम आर स्क्वायर। तो वो कह रहा है एक्सेल के ऊपर है, एक्सेस यानी कि सेंटर से पास हो रहा है, एक मास को यहाँ से रिलीज किया, जब हाइट h से नीचे आ रहा है, इसका वेट W है, तो आपको ये बताना है कि इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड अगर v है तो v का और r का क्या रिलेशन है, ये बताना है v किसके प्रोपोर्शनल है। देखो मुझे पता नहीं किसके प्रोपोर्शनल है, इतना पता है कि इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड डिस्क या इस सिलेंडर के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर अगर ग्राउंड मान लें, सिखाया था मैंने, ग्राउंड मान लेते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस सिलेंडर की क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहेगा, सेम यही करवाया था लास्ट टाइम। अब ये कंफ्यूज करने के लिए उसने इसका मास स्मॉल एम देने के लिए वेट दे दिया, कोई बात नहीं, वेट स्मॉल एम जी, इसका मास मान लो छोटा एम है, इसका बड़ा एम है, तो अगर ये छोटा एम है तो इसका वेट छोटा एम जी है, तो मास की जगह डब्ल्यू बाई जी पुट कर दिया। इस क्वेश्चन में जब ये यहाँ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी H। हम अभी m यूज कर रहे हैं इसका मास, पर एंड में हम m को w बाई जी पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो w, क्वेश्चन में तो w ही के बने ना, स्मॉल m तो हम एज्यूम कर रहे हैं, पर हमें w में काम करने की आदत नहीं है, तो हम w बाई जी कर देंगे एंड में, तो स्मॉल m जी h। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, जीरो, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया था इसे गिरना, और डिस्क इस टाइम या सिलेंडर नहीं घूम रहा था, तो ये भी जीरो। जब ये नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, और सिलेंडर की क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो खड़ा खड़ा घूम रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपको वी का और रिलेशन निकालना है, आर का क्या रिलेशन है, तो ऐसी लगाई थी इक्वेशन ये।
ये इक्वेशन आपके पास आ गई है री। अब इसके अंदर स्मॉल एम की जगह डब्ल्यू बाई जी, स्मॉल एम की जगह डब्ल्यू बाई जी, डिस्क के लिए आई क्या है हाफ इंटू बड़ा एम इंटू आर स्क्वायर, और क्योंकि जो वेलोसिटी हमने निकालनी है वो डिस्क के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी है, आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, पूरी इक्वेशन में आर उड़ गया, सॉल्व करने की जरूरत क्या है, जो भी वी निकालोगे उसमें आर आएगा ही नहीं, तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मार्क करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, डन, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर याद रखना वी कभी भी आर के साथ प्रोपोर्शनल आता ही नहीं, इंडिपेंडेंट ही आता है, ठीक, सॉल्व नहीं करना, बस वैसे बताना ही है इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, 6 kg की बॉल है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन स्लोप अंटिल 80 cm नीचे नहीं आ जाती, क्या निकालना है, स्पीड, क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू रिमेन्स सेम, तो निकाल लेना, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी mgh, काइनेटिक क्या होगी जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी जीरो, और काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये बॉडी क्या है बॉल, बॉल क्या है स्क्वेयर, स्क्वेयर क्या है 2/5 mr², तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है 2/5, बॉडी क्या कर रही है रोल, रोल के लिए लास्ट टाइम क्या बताया था, क्या नेसेसरी है फ्रिक्शन, वो क्या कह रहे हैं निगलेक्ट फ्रिक्शन, वो काइनेटिक फ्रिक्शन निगलेक्ट, लिख लो निगलेक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक तो रहती है इसमें, हम करेंगे फ्रिक्शन का लेक्चर, काइनेटिक फ्रिक्शन जहाँ नहीं होगी, या उल्टा बोलते हैं अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगी तो बॉडी स्लिप करेगी, और स्लिपिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि जहां स्लिपिंग है वो प्योर रोलिंग नहीं है, विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग है, इसलिए वो यहां लिखो विदाउट काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी स्लिपिंग नहीं हो रही। एक्चुअली फ्रिक्शन का लेक्चर भी होना है, आपको पता लगेगा कि जब एक बॉडी रोल करती है प्रॉपर प्योर रोलिंग में होती है, वो स्लाइड घिसटती नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो होती है जो उसको रोल प्रोवाइड करती है, काइनेटिक नहीं होती, स्टैटिक हमेशा ही रहेगी रहेगी, वो कैसे रहेगी मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगा, अब इसके चक्कर में नहीं पढ़ना। और इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 12th क्वेश्चन ऐसा, क्या क्वेश्चन है, व्हेन अ स्फीयर, स्फीयर का मतलब आई क्या है 2/5 mr² ऑफ मोमेंट इनर्शिया आई मूव डाउन इंक्लाइन प्लेन, रोल करती हुई बॉडी नीचे आ रही है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी विच इज रोटेशनल इज व्हाट। देखो जब कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आएगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, रोलिंग एनर्जी है। अब रोलिंग एनर्जी, रोल करती हुई एनर्जी में दो एनर्जीज होती हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशनल, तो वो कह रहा है कि बताओ कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी रोटेशनल है। ठीक, अब इसके अंदर क्या करेंगे, क्या फ्रैक्शन क्या निकालनी है, रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी होती क्या है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 100, ये निकाल लें। अब स्फीयर के लिए आई क्या होता है 2/5 mr², और बॉडी जब प्योर रोलिंग में होती है तो वी क्या होता है आर ओमेगा, किया था हमने, ओमेगा क्या होगा वी बाय आर, तो यहां पर स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, 28% आंसर आ गया।